संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर हंगामे से हुई प्रभावित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि FATF रिपोर्ट ने कांग्रेस का भ्रष्टाचार किया उजागर, कहा राहुल गांधी देश से मांगे माफी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने रोहतक जिला के बसाना गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश हर क्षेत्र में प्रगति के राह पर है अग्रसर। और मंजू नैन बनी देश की पहली महिला सोल्जर स्काईडाइवर, हेलीकॉप्टर से 10,000 फुट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग कर ये कीर्तिमान किया हासिल। नमस्कार, मैं जगजीत कौर, अब समाचार विस्तार से। लंदन में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा लोकतंत्र पर की गई टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर आज संसद में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी के माफी मांगे जाने को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार हंगामा कर रहे सदस्यों को सदन में व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, पर हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक दी गई। उधर राज्यसभा के सदस्यों ने ऑस्कर पुरस्कार जीतने के लिए फिल्म RRR और द एलिफेंट विस्परर्स की टीमों को बधाई दी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का क्षण है और यह उपलब्धियां भारतीय कलाकारों की विशाल प्रतिभा, अपार रचनात्मकता और प्रतिबद्ध समर्पण की वैश्विक प्रशंसा को दर्शाती है। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने अडानी मुद्दे तथा अन्य मामलों में JPC के गठन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा पेश किए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकार कर दिया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी संसद का अपमान है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदस्यों और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता ने पीयूष गोयल का विरोध किया व हंगामा जारी रखने का कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बाद दोपहर शोर शराबा जारी रहने के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा द्वारा कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज भारत एक ओर जहां महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश में जाकर रोने का काम कर रहे हैं, वह देश को अपमानित करते हैं। उन्होंने कहा कि FATF रिपोर्ट कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एक और मॉडल है, राहुल गांधी आएं और देश से माफी मांगे। जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की, मैं इनको याद करवाना चाहता हूं ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे थे। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में है। अरे, आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापिस आइए और देश से माफी मांगिए। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल रोहतक जिला के बसाना गांव में एक जनसभा में पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए JP दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया है और सेना को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिससे सैनिकों का मनोबल बढ़ा है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण हर देश भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है। देश को G20 की अध्यक्षता प्राप्त होने का हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से भरपूर कृषि उत्पाद हुआ है, जिससे देशवासियों को भरपूर खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है व देश हर क्षेत्र में प्रगति के राह पर अग्रसर है।
जम्मू कश्मीर में जाए, कहीं भी जाए, कोई समस्या नहीं है। जिसके बारे में कहते थे कि धारा 370 टूट जाएगी, देश में तूफान आ जाएगा, दुनिया के देश पता नहीं क्या कर देंगे, भारत को तंग कर देंगे, वो धारा भी टूट गई, कश्मीर भी वही है, कहीं चर्चा तक नहीं होती। आज वही पाकिस्तान है जहाँ 250 रुपए किलो प्याज नहीं मिल रहा, और एक तरफ हमारा देश 1-2 रुपए किलो को पुछड़िया नहीं। ये आप किसानों की सामर्थ्य है, ये किसानों की मेहनत है। आज हम G20 के सम्मेलन कर रहे हैं, दुनिया के सारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, और उसकी अध्यक्षता भारत को मिली हुई है। मैं समझता हूँ कि भारत का जो आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, उसका परिणाम है कि सारे देश ये सोचते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे करें। देश की पहली महिला सोल्जर स्काईडाइवर मंजू नैन का नरवाणा के गांव धमतान साहिब में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंजू नैन ने 15 नवंबर को ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से 10,000 फुट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग की थी, जिसकी जानकारी ईस्टर्न कमांड ने साझा की। मंजू नैन भारतीय सेना की पहली महिला सैनिक स्काईडाइवर बनी है और उनका परिवार व देश इस उपलब्धि से खुश हैं। पहली स्काईडाइवर बनने के बाद पहली बार गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया और मंजू नैन को सम्मानित किया गया। मंजू ने बताया कि वह सेना में लांस नायक के पद पर तैनात हैं। इस कामयाबी में उनके पूरे परिवार का सहयोग रहा है। मंजू ने बताया कि आगे उनका लक्ष्य 20,000 फुट से स्काईडाइविंग करने का है। डाइविंग की है, 10,000 फीट से जंप किया है ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर से मिसामारी में 15 नवंबर को। गांव वालों ने पूरे जश्न के साथ स्वागत किया है, बहुत खुशी का माहौल था, सब बहुत अपने सभी गांव वाले प्राउड फील कर रहे थे। आगे का मेरा लक्ष्य यही अभी 20,000 फीट से जंप करना है। 2019 में मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और फिर ये स्काई डाइविंग की 15 नवंबर को। इसमें मेरी फैमिली, पापा जी, ताऊ और भैया ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया है। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अपने साथ खिलाते थे, लड़कों के साथ ही खिलाते थे वो मुझे। मंजू के परिवार वालों ने कहा कि मंजू ने जो करके दिखाया है वह हिम्मत की बात है और सभी बच्चों को आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जी अभी बच्चा जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, खुशी है, बड़ी बहुत खुशी है जी। मैं बड़ा सुथरा लग रहा है जी, मैं कहना चाहूँगा जी मांग भी आए, बड़ी खुशी हुई है जी। मैं सारा 10,000 फीट से छलांग लगाकर उसने एक रिकॉर्ड कायम किया है। शीर्ष से प्रेरणा लेकर आगे छलांग कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी। सरकार से अनुरोध है कि मेरी शीर्ष को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड हमेशा दिलाऊंगी। प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक अविकसित ब्लॉक की पहचान करने और उसे विकसित करने के लिए ब्लॉक परिवर्तन योजना लाई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अविकसित ब्लॉकों की पहचान करने हेतु 18 प्रतिबद्धता तथा 9 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI को अंतिम रूप दिया है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रत्येक जिले से एक अविकसित ब्लॉक की पहचान की जा रही है और गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे व शासन, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं कौशल, समानता और अधिकारिता, जल स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन, सामाजिक विकास, कृषि व सिंचाई सहित विभिन्न KPI के आधार पर कार्य शुरू किया जाएगा। विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इन KPI की मासिक और त्रैमासिक नियमित निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित खंडों की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह KPI के आधार पर प्रत्येक जिले से अविकसित ब्लॉक चिन्हित करके कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी राज्य के अविकसित ब्लॉक की प्रगति रिपोर्ट की नियमित निगरानी भी करेंगे। युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पलवल जिले में रोजगार विभाग एवं गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय के संयुक्त प्रयास से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय के सहायक अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जिला रोजगार विभाग द्वारा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें कई कंपनियां भाग ले रही हैं। इस रोजगार मेले में स्नातक व स्नातकोत्तर उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बुलाया गया।
के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएं। हमने इस मेले के लिए कम से कम 3-4 कंपनी को बुलाया हुआ है और इसी क्रम में हमने बच्चों को बुलाया हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले। महाविद्यालय के अध्यापक व नोडल अधिकारी पवन मखीजा ने बताया कि रोजगार मेले में युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और करीब 250 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार के बाद उनका चयन किया जाएगा। वहीं लाभार्थियों ने कहा कि रोजगार के लिए यह एक अच्छी पहल है और इस मेले में युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। मैं 12 बच्चों को नोएडा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए भेजा था, जिसमें से 9 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और उनको जो है 20,700 रुपये के CTC पैकेज पे जॉब मिली है। अभी तक लगभग 200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और लगभग और 40-50 बच्चे और भी क्यू में हैं। 2 से 3 कंपनी आई हैं, जिसमें HBD फाइनेंस, महिंद्रा टेक और अन्य कंपनी भी हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छे सैलरी पैकेज में उन्हें रोज़गार मिला है। मेरा लगाया गया है जिसमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पे हो रहा है और जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। मेरा जो जॉब लोकेशन है वो नोएडा SBI में हो गई है। जो भी बच्चे चाहे इसमें सिलेक्शन ले सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भिवाणी के चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल में आज एक कार्यक्रम करवाया गया। इस दौरान भिवाणी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडियाल ने जागरूकता वाहन ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ई रिक्शा विशेषकर शहर के सभी स्लम एरिया में जाकर लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करेगी। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में सभी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सभी CHC और PHC पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो और देश को टीबी मुक्त बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दे। इस मौके पर उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि टीबी के मरीज का जब तक इलाज चलता है तब तक उसको प्रति माह 500 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति टीबी के प्रति जानकारी लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-11666 पर कॉल कर सकता है। इसके अलावा टीबी आरोग्य साथी ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेला लगाते हैं, अवेयरनेस जनरेशन कार्यक्रम करते हैं ताकि जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो वो अपना बलगम जांच करवाए। जैसे ही डायग्नोस होता है उसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें। जो भी पेशेंट आता है उसको हम 500 रुपये हर महीना देते हैं न्यूट्रिशन के लिए और भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि जो भी संपन्न लोग हैं वो निक्षय मित्र बने और जो कमज़ोर तबके के हैं उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ साथ में जो 500 रुपये देते हैं उसके साथ साथ में वो अपना न्यूट्रिशन सपोर्ट करे कि उसने एक किट जो है न्यूट्रिशन की वो हर महीने दान करे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जो हैं अपनी खांसी को इग्नोर ना करें और अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी परसिस्ट करती है तो तुरंत अपनी जाँच कराएँ। इसमें अपने आप को किसी तरीके का स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन ना समझें कि हमारे को टीबी है, क्योंकि टीबी एक आम बीमारियों की तरह बीमारी है जो कि पूरा इलाज लेने पर पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसमें अगर हम सही समय पे और जल्दी जांच कराते हैं तो बीमारी जल्दी पकड़ में आती है और उसका इलाज पूरा हो पाता है। अभी तक जो हमारा इस 2023 के अंदर हमारे पास 494 पेशेंट नोटिफाई हो चुके हैं भिवानी जिले के अंदर और इन मरीजों का हमारे पास से अभी ऑन ट्रीटमेंट जो पेशेंट हैं टोटल हमारे पास 1013 पेशेंट हैं जो ऑन ट्रीटमेंट। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।